कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट। फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। भारत पे के एमडी अश्नीर ग्रोवर पहले से ही विवादों में घिरे हैं। अब उनकी पत्नी माधुरी जैन, जो कि कंपनी में फाइनेंस की जिम्मेदारी संभालती आ रही हैं, वो भी विवादों में घिरती नजर आ रही हैं। पहले ही भारत पे के मालिक अश्नीर ग्रोवर विवाद के चलते लंबी छुट्टियों पर जा चुके हैं। अब इनकी पत्नी पर कंपनी में हेराफेरी करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दरअसल अल्वारेज एंड मार्सल इन्वेस्टिगेशन भारत पे मामले में जांच कर रही है। शुरुआती जांच में कंपनी के फंड में हेराफेरी सामने आई। आपको बता दें, माधुरी जैन ग्रोवर भारत पे में फाइनेंस का काम देखती हैं। जांच में सामने आया कि माधुरी जैन कंपनी के फंड में हेराफेरी कर रही हैं। उन पर आरोप है कि वे कंपनी के फंड का इस्तेमाल अपनी पर्सनल खरीदारी में कर रही हैं। अब इस जांच में सामने आई बात कितनी सही है और कितनी गलत, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। हालांकि इस विवाद के चलते माधुरी जैन से इस्तीफे की मांग जरूर की जा रही है। फिलहाल इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। जहां तक बात भारत पे और इस कंपनी के मालिक अश्नीर ग्रोवर की मुश्किलों की है, तो वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी घोटाले का आरोप, तो कभी कोटेक कर्मचारियों को गाली देने का मामला। इन सब के चलते अश्नीर ग्रोवर मार्च के अंत तक छुट्टियों पर हैं, यानी कंपनी के कामकाज से वो दूर रहेंगे। बता दें, अश्नीर ग्रोवर ने शाश्वत नाकरानी के साथ मिलकर 2018 में भारत पे की शुरुआत की थी। इस फिनटेक कंपनी ने इंटर ऑपरेबल QR कोड लॉन्च किया, जिसकी मदद से किसी भी पेमेंट ऐप से UPI पेमेंट करना आसान हुआ था। इसके अलावा कंपनी भारत स्वाइप नाम से POS मशीन भी बनाती है। भले ही भारत पे के खराब वर्क कल्चर पर बीते 2 साल से बातें हो रही हों, लेकिन ग्रोवर के नायका के IPO का लोकेशन नहीं मिलने पर कोटक महिंद्रा के कर्मचारी के लिए इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर बवाल मच गया। ग्रोवर ने मूल रूप से लीक वीडियो में अपनी आवाज होने से इनकार किया, लेकिन कोटेक के लीगल नोटिस के बाद इसे खारिज करना असंभव हो गया। इसके अलावा अगस्त 2020 में अश्नीर ग्रोवर का सिकोया इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी हरजीत सेठी के साथ भी विवाद हुआ था। इस विवाद में भी अश्नीर पर अपशब्दों के इस्तेमाल के आरोप लगे। अश्नीर ग्रोवर पर एक TV शो शार्क टैंक में भी तीखे और भद्दे कमेंट्स के आरोप हैं। साथ ही अश्नीर ग्रोवर पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी माधुरी जैन के साथ मिलकर कंपनी में फर्जी बिलों के जरिए घोटाला किया है। कंपनी में इन विवादों के चलते ही इनके कर्मचारी अब दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। यानी कुल मिलाकर इस पूरी कहानी में देखा जाए तो अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन मुसीबतों में घिरते नजर आ रहे हैं।